अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 23 जून को बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह अमेरिका में चल रही है जांच को बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए रोड शो भी किया था और इन्वेस्टर्स से बात भी की थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC इसकी जांच कर रहा है। जांच की खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में भारी बिकवाली भी देखने को मिली। लगातार तीसरे सत्र में शेयरों में गिरावट नजर आई। स्टॉक 2395 रुपए 90 पैसे के पिछले बंद स्तर के मुकाबले आज 9.73% गिर कर 2162.85 रुपए के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार यानी 23 जून की सुबह 11 बजे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 8.92% की गिरावट के साथ 2182.10 पर कारोबार कर रहे थे। अडानी पोर्ट्स 4.8% गिर कर 709.75 पर आ गया। अडानी पावर 5.12% फिसल कर 243.65 पर पहुंच गया। अडानी ट्रांसमिशन 6.88% गिर कर 749.50 पर और अडानी ग्रीन एनर्जी 2.6% गिर कर 948.75 पर कारोबार कर रहा था। अडानी टोटल गैस 3.47% गिर कर 632.40 पर ट्रेड कर रहा था। अडानी विल्मर 2.98% गिर कर 405.90 पर आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर्स से पूछताछ की है कि समूह के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। इस साल जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल किया था। साथ ही रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के उच्च कर्ज के बारे में भी चिंता जताई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और निवेशकों की संपत्ति में $11 बिलियन का नुकसान हुआ था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अडानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले संस्थागत निवेशकों से ब्रुकलिन और SEC के अटॉर्नी कार्यालय ने पूछा है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों को क्या बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूमबर्ग को बताया गया है कि SEC ने भी हाल ही के महीनों में इस तरह की जांच शुरू की है। अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उसे निवेशकों को किसी समन के बारे में जानकारी नहीं है। बता दें गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप पहले से ही भारत में नियामक जाँच के दायरे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।